नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि भारत की देन केवल जीरो या फिर डेसिमल सिस्टम तक ही सीमित नहीं है। हमने 10 ऐसे आविष्कार देखे जो भारत में हुए थे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे 10 ऐसे ही अन्य आविष्कारों के बारे में। आज जिनके बारे में हम बात करेंगे उनमें से अधिकतर वो हैं जिन्हें हम पश्चिमी देशों के आविष्कार मानते हैं, लेकिन आज आपका ये भ्रम भी दूर हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चित्र से आप क्या समझते हैं? ये है टेस्ट ट्यूब बेबी। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर शिशु का जन्म होता है। इस प्रक्रिया को दरअसल IVF कहते हैं, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस प्रक्रिया में मेल और फीमेल के गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन लेबोरेटरी में किया जाता है और भ्रूण यानी एम्ब्रियो को एक टेस्ट ट्यूब में बड़ा किया जाता है। कुछ सेल्स तक एम्ब्रियो बन जाने के बाद उसे महिला के शरीर में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, जिसके बाद वो एम्ब्रियो 9 महीने तक माँ के गर्भ में विकसित होता रहता है। ये एक एडवांस्ड टेक्निक है जिसमें काफ़ी समय लगता है। दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन है, जिसे इंग्लैंड में विकसित किया गया था। तो इसका अर्थ ये हुआ कि IVF इंग्लैंड की टेक्निक है? बिल्कुल नहीं। अपनी आंखों पर पड़ा पर्दा हटाइए, क्योंकि IVF की प्रक्रिया का प्रमाण महाभारत में मिलता है। महाभारत में 101 कौरवों के जन्म का वर्णन है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी का प्राचीन उदाहरण है। गांधारी ने ऋषि व्यास से उसे एक लड़की देने का अनुरोध किया था, इसलिए ऋषि व्यास ने ऐसी व्यवस्था की कि 100 मेल एम्ब्रियो बने और एक फीमेल एम्ब्रियो बने। प्राचीन आयुर्वेदाचार्य जानते थे कि एम्ब्रियो का लिंग कैसे चुनना है। इसी प्राचीन IVF टेक्नोलॉजी के परिणाम स्वरूप गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री ने जन्म लिया था। ये कोई माइथोलॉजी नहीं, बल्कि हमारी हिस्ट्री है और हिस्ट्री में छुपा हुआ साइंस भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने गौर किया होगा कि हमारे त्योहार हर वर्ष किसी खास दिन ही होते हैं। साल में पड़ने वाले त्योहार, सूर्य और चंद्र ग्रहण के दिन और समय भी पहले से निश्चित होते हैं। और ये सब नासा के आने के बाद से नहीं हुआ है, बल्कि भारतीय संस्कृति में हजारों साल से चला आ रहा है। ये सब है एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान की देन। एस्ट्रोनॉमी का विषय वैदिक काल से है, जिसमें आकाशीय पिंड यानी हेवनली बॉडीज और आकाश में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। वेदों में सौर वर्ष यानी सोलर ईयर, चंद्र माह यानी लूनर मंथ और ग्रहों के राशि परिवर्तन का पूरा वर्णन मिलता है। भारतीय खगोल शास्त्रियों के योगदान के द्वारा ग्रहों की चाल और नक्षत्रों के बारे में समझने में मदद मिली। प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान पर कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, पंच सिद्धांतिका जो खगोल ग्रंथों का एक संग्रह है, आर्यभट्टीय जो आर्यभट्ट द्वारा लिखित गणित और खगोल विज्ञान पर एक ग्रंथ है, और सूर्य सिद्धांत, ये भी खगोल विज्ञान पर आधारित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये सभी ग्रंथ एस्ट्रोनॉमी से जुड़े हुए कैलकुलेशंस को समझाने का कार्य भी करते हैं और इनमें सौर मंडल, ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में ज्ञान भरा हुआ है। चलिए आकाश का ज्ञान प्राप्त करने के बाद धरती पर वापस आते हैं और जानते हैं तीसरे आविष्कार के बारे में, जो है मेटलर्जी यानी धातुकर्म। मेटलर्जी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पत्थरों से मेटल्स को शुद्ध रूप में निकाला जाता है। जिन पत्थरों में कोई विशेष मेटल अधिक मात्रा में हो, उनको उस मेटल का ओर कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में मेटल का सबसे पहला सबूत बलूचिस्तान के मेहरगढ़ शहर में मिलता है, जब लगभग 6000 ईसा पूर्व तांबे का एक छोटा सा टुकड़ा खोजा गया था। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन भारत में मेटलर्जी का मुख्य केंद्र थी। वहां लोग तांबे, कांसे और सोने के साथ काम करने में कुशल थे। भारत अपने उच्च गुणवत्ता वाले स्टील के लिए भी जाना जाता था। भारत से स्टील विश्व भर में निर्यात किया जाता था। प्राचीन भारत में स्टील बनाने की प्रक्रिया के बारे में मैंने इस विषय के पहले भाग के वीडियो में बताया है। प्राचीन भारत के धातुकर्म का अद्भुत उदाहरण दिल्ली का लौह स्तंभ है, जिसको राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने बनवाया था। ये लौह स्तंभ आज भी बिना जंग के मजबूती से खड़ा है। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ प्राचीन प्रमाण जो बताते हैं कि मेटलर्जी के क्षेत्र में भारत कितना आगे था। चलिए दोस्तों, एक बार फिर आकाश की सैर पर चलते हैं।
अब की बार एस्ट्रोनॉमी के माध्यम से नहीं बल्कि विमान यानी एरोप्लेन में बैठकर, क्योंकि वैमानिकी यानी एरोनॉटिक्स का विज्ञान भी हम भारतीयों के ही नाम है। लेकिन एक मिनट, पहला एरोप्लेन तो अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने बनाया था ना, तो अब जरा इस चित्र को देखिए। ये एक बहुत ही पुराने विमान का मॉडल है जिसका नाम है शकुन विमान, जिसके साथ भारद्वाज ऋषि का नाम लिखा हुआ है। भारद्वाज वैदिक काल के एक ऋषि थे, यानी राइट ब्रदर्स से भी हजारों साल पहले। शकुन विमान को आज के एरोप्लेन्स और रॉकेट का एक मिश्रण माना जाता है। रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन किया गया है जिसमें सिकुड़ने और विस्तार करने की क्षमता थी ताकि वह किसी भी संख्या में यात्रियों को अपने अंदर समाहित कर सके। रावण माता सीता का हरण करके उन्हें पुष्पक विमान में ही लंका ले गया था। इस चित्र में आप देख रहे हैं एक उड़ने वाला रथ जिसको स्वयं भगवान श्री गणेश चला रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी उनके पीछे बैठे हैं। इन सबके अलावा रुक्मा विमान, त्रिपुर विमान इत्यादि के प्रमाण भी हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। प्राचीन काल में बनाए गए बहुत से मंदिरों के ऊपरी हिस्से का आकार भी विमानों के जैसा ही बनाया गया है, जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने नए प्रकार के स्पेसक्राफ्ट्स बनाए हैं जिनका आकार हमारे पुराने विमानों के जैसा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, विचार कीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं वैक्सीनेशंस के बारे में। साल 2020 तो हम सबको याद है और हमेशा रहेगा, क्योंकि उस साल पूरी दुनिया एक महामारी के चपेट में थी जिसका नाम है कोविड-19। इस बीमारी का कारण था कोरोना वायरस। इसमें लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस बीमारी से लोगों को बचाने के लिए दुनिया भर में वैक्सीन प्रोग्राम शुरू किया गया। कोविड-19 वैक्सीन तैयार करके टीकाकरण का अभियान चलाया गया। वैक्सीन यानी टीका इसलिए दिया जाता है जिससे कि बीमारी होने से पहले ही उसके प्रति हमारी प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बन सके। इम्यूनिटी बनाने के लिए वैक्सीन देने का कॉन्सेप्ट सबसे पहले भारत में ही खोजा गया। वायरस से होने वाली बीमारी चेचक यानी स्मॉल पॉक्स का उपचार और इसका वैक्सीन यानी टीका भी सबसे पहले भारत में ही खोजा गया था। पर विडंबना देखिए कि चेचक के वैक्सीन की खोज का सारा श्रेय एक अंग्रेज एडवर्ड जेनर को दे दिया गया। वास्तव में चेचक के लक्षणों और टीकाकरण के तरीकों का उल्लेख 8वीं शताब्दी में माधवाचार्य द्वारा किया गया था। अब जरा इन चित्रों को देखिए। ये हैं आजकल के आधुनिक हथियार। दुनिया का हर देश अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे हथियार बनाता है और आयात करता है। यहां से निकलती है बात विनाशकारी अस्त्र शस्त्र की। भारत में अस्त्र शस्त्र का निर्माण और उनका उपयोग कोई नई बात नहीं है। ऐसे अनेक हथियार प्राचीन समय में हुए कई युद्ध में उपयोग किए गए जिन्होंने भीषण विध्वंस किया। ऐसे बहुत से विनाशकारी अस्त्र शस्त्र महाभारत के युद्ध में उपयोग किए गए थे, जैसे ब्रह्मास्त्र, गांडीव, आग्नेयास्त्र, विजय धनुष, ब्रह्मशिरा, वज्र इत्यादि। रामायण में श्री राम और रावण के युद्ध में मेघनाद द्वारा नागपाश या नागास्त्र के उपयोग का भी वर्णन है, जिसके द्वारा मेघनाद ने श्री राम और लक्ष्मण को जहरीले नागों के बंधन में जकड़कर बेहोश कर दिया था। आज के आधुनिक अस्त्र शस्त्र बनाने की प्रेरणा विश्व को भारत से ही मिलती है। दोस्तों, पेन हम सबके जीवन का अभिन्न हिस्सा है और पेन से लिखने के लिए उसमें स्याही यानी इंक होना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि इंक का भारत से क्या रिश्ता है। दरअसल विश्व में इंक भी पहली बार भारत में ही बनाई गई थी। भारत में स्याही का सबसे पहला प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से मिलता है। भारत में स्याही का उपयोग लेखन, ड्राइंग और पेंटिंग सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए होता था। भारत में अधिकतर काले और लाल रंग की स्याही का उपयोग किया जाता था। काली स्याही बनाने के लिए लैम्प ब्लैक, कालिक और चारकोल का उपयोग होता था। लाल स्याही बनाने के लिए सिंदूर और अन्य प्रकार के लाल द्रव्यों का उपयोग किया जाता था। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं बटन की। आज हमारे कई प्रकार के कपड़ों में बटन लगाना अनिवार्य हो चुका है, लेकिन प्राचीन काल में बटन को केवल सजावट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। बटन का सबसे पहला प्रमाण सिंधु घाटी में मोहनजोदारो में पाया गया था। यह बटन एक घुमावदार शंख से बना है और लगभग 5000 वर्ष पुराना है। बटन का उपयोग मूल रूप से आभूषणों के तौर पर किया जाता था।
बाद में इसे कपड़ों के सिरों को आपस में बांधने के लिए भी उपयोग किया जाने लगा। चलिए इसी क्रम में आगे बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। भारत में ट्रिग्नोमेट्री का पहला संदर्भ सूर्य सिद्धांत में मिलता है, जो वैदिक काल का एक खगोलीय ग्रंथ है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कुल छह होते हैं, जिनके नाम हैं साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के विकास में गणितज्ञ आर्यभट्ट का विशेष योगदान है। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले साइन के अलग अलग एंगल्स की वैल्यूज निकालने के लिए एक टेबल बनाया था। बाद के वर्षों में ब्रह्मगुप्त और भास्कर जैसे गणितज्ञों ने आर्यभट्ट के कार्य को विस्तार दिया। दोस्तों, हर साल विदेशों से कई पर्यटक भारत में घूमने आते हैं और यहाँ के मंदिर, किले और पुरानी इमारतों की वास्तुकला की सराहना करते हैं। तो अंत में बात करते हैं भारतीय वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के बारे में। प्राचीन भारतीय वास्तुकला के अग्रदूत भगवान विश्वकर्मा को माना जाता है। महाभारत में पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण है, जिसे भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाया था। प्राचीन भारतीय वास्तुकला में बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर मंदिरों का निर्माण और उनमें की गई कलाकारी की पूरे विश्व में सराहना होती है। अजंता की गुफाएं अपनी समृद्ध वास्तुकला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। ये गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं की एक श्रृंखला है। इसमें विभिन्न प्रकार की बौद्ध पेंटिंग और मूर्तियां शामिल हैं। इसके अलावा खजुराहो का कंदरिया का महादेव मंदिर, गुजरात में मोधेरा का सूर्य मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर इत्यादि केवल कुछ उदाहरण मात्र हैं। दोस्तों, इन सभी खोजों या आविष्कारों में से आपको किन आविष्कारों की जानकारी थी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। मैं आपसे मिलती हूँ इस सीरीज़ की तीसरी और अंतिम वीडियो में। नमस्कार, जय महाकाल।